एसएसपी कार्यालय में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी थाना और ओपी प्रभारी मौजूद थे। मीटिंग में मुख्य रूप से एसएसपी संजीव कुमार ने सभी प्रभारियों खनिज पदार्थ की अवैध कारोबार पर रोक लगाने का निर्देश दिया, जिसके लिए थाना या ओपी प्रभारी को टीम बनाकर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया। त्योहार को देखते हुए भी कई दिशा निर्देश दिए गए। हमारा मंथली क्राइम रिव्यू है, उसका हम लोग ने आज सभी अफसर इंचार्ज और जो सीनियर पदाधिकारी हैं सबके साथ मिलकर के हम लोगों ने रिव्यू किया है। खासकर जो पिछले महीने जितने भी घटनाएं हुई हैं, जो भी घटित हुई हैं और जो अपराध कर्मियों पर अंकुश लगाने हैं, तो जो जो कार्रवाई तो निर्देश दिया गया उसमें अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में रिव्यू भी किया गया। फिर क्योंकि आने वाला हमारा जो महीना है वो त्योहारों का महीना है और भीड़ भाड़ वाला और मेला का समय है, तो काफ़ी लोग अपने परिवार के साथ भी मेला घूमने आते जाते हैं, उनकी सुरक्षा किस हिसाब से की जाए और त्यौहार को लोग किस हिसाब से पूरे अच्छे माहौल में मना पाएँ, इस संबंध में हमारी तरफ से जो जो निर्देश थे और जो इनके द्वारा जो वो दिया गया है और पुराने कांडों की भी रिव्यू की गई है कि जो जितने भी हमारे पुराने कांड बन गए थे उनको निष्पादन हेतु की गई कार्रवाई के संबंध में कुछ टास्क वगैरह दिए गए। बहुत सारे टास्क दिए गए हैं अपराध कर्मियों के संबंध में, खासकर जो पुराने अपराध कर्मी हैं उनको, जो हमारा CCA का जो प्रपोजल है, कुछ हम लोगों ने कुछ CCA का प्रपोजल दिया है, कुछ और प्रपोजल हम लोग बनाने हेतु निर्देशित किए हैं और खासकर कुछ अपराध कर्मियों को जिला बदल करने हेतु भी निर्देश दिया गया है, तो उन सबका प्रपोजल आएगा, उसके अनुसार ही आएगा।